भाई से मिल लेते हैं, ये हमारे बचपन के यार हैं। देने के लिए अच्छा लॉलीपॉप खाता था वही वाला ये। रामपुर के लौंडे क्या कर रहे हो यार? आगे मचाने जा रहे हैं हम धमाल। तो गाइस हमने लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली हैं कि यहाँ से हवा बिल्कुल नहीं आएगी। लकोस भाई ने बहुत सही मैसेज दिया था, मैं 100 रुपए का दिया तो कर दो यार, बहुत लगते हैं। अरे हो जाएगी भाई। गुड मॉर्निंग, पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संतोष सिंह, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्राइट फैमिली व्लॉग्स में। तो गाइज आज आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का। और इससे पहले आपने मेरी शादी में देखा होगा, पर इतना इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था उन लोगों से। तो वो रामपुर से आ रहे हैं काफ़ी दूर से, तो मैं उनको लेने के लिए फ़िलहाल रोड पे आया हुआ हूँ। तो वो आ रहे हैं रामनगर की साइड से, तो अभी उनको पिकअप करना है। मैं उनकी वेट उनका ही वेट कर रहा हूँ कितनी देर में आते हैं करके। रात उन्होंने फ़ोन करा कि हम लोग आ रहे हैं करके, मतलब रिसेंटली प्लान बना एकदम से। तो अभी फ़िलहाल वो आ रहे हैं और इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहना। मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनसे आपको मिलाएंगे और देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं यहाँ। तो फ़िलहाल मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देख लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि आ ही गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो भैया 3 लोग आ रहे हैं, ये तो आई थिंक यही है मेरे ख्याल से। तो फ़िलहाल आ तो गए हैं भैया, क्या बात है बाबा, क्या हाल है? बस बढ़िया हो रहा है। गाइज हम जिनका वेट कर रहे थे, फिलहाल तो मेरे दोस्त आ गए हैं, काफी ज्यादा लंबा सफर करके यहाँ तक आए हैं। और भाई क्या हाल चाल हो रहे हैं सैफ मियां? बढ़िया हो रहा भाई, बढ़िया, सब बढ़िया हो रहे हैं। तो भैया हम गुड्डू भाई से मिल लेते हैं, ये हमारे बचपन के यार हैं। और ये है बाबू भाई, और विष्णु भाई बढ़िया हो रहे हैं? बढ़िया। तो भैया इन्हीं का हम वेट कर रहे थे, ये है मेरे 3 दोस्त बचपन के और सबसे खास मित्र है मेरे। तो गुड्डू भाई ये बताओ कैसा रहा सफर आपका? सफर भाई रहा फुल्ली एडवेंचरस। अच्छा, ऐसा सफर है फुल, ऐसा मजा कहीं नहीं। नैनीताल और भवाली के बीच में इतना क्लाउड्स था, इतना क्लाउड्स था कुछ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, जीरो विजिबिलिटी। अच्छा, हमारा भाई राइडर, ये क्या बात है, लेकर पहुंचा दिया तेरे पास बस। तो मुझे एक बार बताओ 3 लोग तुम एक गाड़ी में आ गए, और ये पता गाइस अभी फिलहाल 10 ही दिन हो रहे हैं इस गाड़ी को लिए हुए और इसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई हुई है अभी। और नंबर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है देखिए साहब, नंबर भी नहीं है। भाई साहब बच बचा के आ गए तुम लोग, मतलब क्यों ऐसे कैसे आया? अच्छा तुम्हें कटपट मार के। आप लोगों को ना वैसे विष्णु साहब से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब यही तो है राइडर। तो सुनो अब चलो, बातें बातें तो काफी ज्यादा हो गई। अरे तो रेस्ट वेस्ट करोगे नहीं करोगे? रेस्ट क्या करना, रेस्ट तो हम किए हुए हैं। अच्छा रेस्ट, हम कल ही निकल गए थे, रेस्ट करा सर, हम निकल गए थे घर से। अच्छा कल निकल गए थे, तुमने मुझे तो रात को फोन करा सरप्राइज देने के लिए। अच्छा तो गाइस ये देखो, देख रहे हो मतलब दोस्त भी ऐसे हो चुके हैं, मतलब मैं यहाँ नहीं होता तो फिर तो क्या वापस वापस चले तो गाइस देख रहे हो कितने मतलब दोस्ती देखो इनकी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम मतलब ये सरप्राइज देना चाह रहे थे, बट इन्होंने कल रात को मुझे फोन कर दिया था वैसे। तो फिलहाल तो अभी क्या प्लान है, चलो फिर रूम पे चलो, कुछ खाना वाना खिला देता हूँ। हैं रूम पे नहीं जा रहे? रूम पे नहीं चलोगे? चलेंगे, अच्छी लोकेशन। अच्छा अरे चल लो यार। अरे नहीं यार, सब फ्रेश है अपना, चलते सीधा। तो गाइस फिलहाल ये लोग आ रहे थे रामनगर वाली रोड से, तो मैं इनको यहीं पिकअप करने आ गया था, क्योंकि इनको रास्ता पता नहीं चल रहा था, क्योंकि एक रोड और ऊपर को जाती है। तो फिलहाल तो अभी बढ़िया सी धूप निकल रही है, तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि वो ऊपर की साइड ले जाऊँ। तो भाई बताओ मतलब रेस्ट करना, थके तो नहीं हो? नहीं नहीं यार। हैं बिल्कुल नहीं थके हो? बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तो भैया ये है मेरे यार दोस्त बचपन के, और इसने और मैंने तो साथ ही स्कूल भी पढ़ा हुआ है यार। सब लंगोटिया आ रहे हैं, तो ये सारे मतलब मेरे जब मैं छोटा छोटा सा था तब से ये मेरे साथ हैं और आज भी मेरे साथ ही हैं। लेकिन तो भाई मजा आएगा, दिल खुश हो गया बहुत दिनों बाद मुलाकात हो गई, बाद मिलके मजा आ गया। तो भैया तुम्हारा भाई है ही ऐसा यार, अच्छा हूँ ना मैं, बताओ अच्छा हूँ नहीं हूँ? चलो फिर अब चलते हैं सीधे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आधे घंटे के लिए रूम पे चलते हैं, आधे घंटे के लिए रूम पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे, थोड़े चाय पानी पी लेते हैं, क्यों विष्णु साहब? ओके ठीक है फिर। तो गाइज अभी इनको मैं लेके जा रहा हूँ रूम पे, और थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं भाई लोगों को, मेहमानदारी करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं सीधे घूमने। जो भी आज की एक्टिविटी होगी पूरी कवर करी, मस्त ब्लॉग बनने वाला है, काफी मजा आने वाला है, ऐसी बने रहना हमारे ब्लॉग में। आधे घंटे हमने रेस्ट करने के बाद, तो भैया इन लॉन्डो की एक्साइटमेंट इतनी थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कसम से, ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ घूमना है, क्योंकि इनके लिए कुछ ये नया न्यू सी प्लेस है, मतलब नई नई जगह है। तो
इनको घूमने का इतना शौक हो रहा है जंगलों में, तो मैं फिलहाल बेताल घाट से ऊपर भतोज खान वाली रोड पे और ये जाती है रानी खेत को, तो उसी जंगल के बीच में लेके आया हूँ। और ये लोकेशन इनको काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो गुड्डू मियाँ भी आए हुए हमारे साथ। जगह तो यही बहुत शानदार है ना, दिखाना एक बार जा। और गाइज आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देते हैं, काफी अच्छे हम बीचों बीच जंगल के खड़े हुए हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो भाई कैसा लग रहा है जंगल में आके गुड्डू मियाँ? एक नंबर। इसका नाम है सैफ अली खान, तो आपने एक सैफ अली खान और सुना होगा नाम ना, उसकी दो बीवियां भी हैं, पर इसका नहीं है। पर इसका नहीं फिर पता है इसका अभी ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि अभी इसकी शादी वादी कुछ तो हुई नहीं है, तो फिलहाल अभी हाँ आपको इनसे इंट्रोडक्शन पहले करवा देता हूँ मैं। तो ये है मेरे दोस्त, इनका नाम है राहुल विश्नोई, तो ये मेरे खास बचपन के दोस्त हैं, जब हम छोटे छोटे से हुआ करते थे, लंगोटिया यार मतलब कह सकते हैं। और तो फिलहाल अब मिलाते हैं बाबू से आपको, तो ये भी मेरा बचपन का दोस्त है, बोलते हैं हम नेपाली, इसको बोलते हैं हम छोटा नेपाली, और आज भी ये नेपाली है, काठमांडू। तो ये भैया हैं काठमांडू के, तो फिलहाल तो रामपुर में रहते हैं। वो अभी बाबू यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा सच में। जमीन में रह रहे कि जमीन प्लेन में प्लेन्स में रह रहे के बोर हो चुके, पहाड़ों की वादियों में आके मजा आया ना। वहाँ के पहाड़ ज्यादा अच्छे हैं, कंपैरिजन नैनीताल। अच्छा, हम इससे पहले नैनीताल या फिर वहाँ तक ही गए, इससे आगे नहीं गए। अच्छा, रामनगर और नैनीताल। हाँ रामनगर और नैनीताल बस, लेकिन ये जगह भाई मजा आ गया। मजा आ गया ना, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ऐसे पहाड़ों पर आना। तो विश्नोई साहब का तो फर्स्ट टाइम है, तो फिलहाल तो अभी ये तीन आए हुए हैं, एक दो दोस्त और हैं बचपन के, वो नहीं आ पाए अभी फिलहाल, तो इन लोगों का रिसेंटली प्लान बना, अचानक हुआ है। अचानक प्लान बना। अच्छा, आपको सभी से इंट्रोडक्शन करा दिया है, तो अब हमारा अगला प्लान है कि हम जा रहे हैं, तो वो बताएंगे सैफ मियां कहाँ जा रहे हैं भाई? ऊपर की तरफ चलते हैं, कैंपिंग करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, बातें साथे करेंगे यार पुरानी। और क्या बाबू, जो बातें रह गई थी बस। तो गाइस हमने क्या करा, हमने कभी पूरी नहीं हो सकती। तो हमारी जो कहानी है काफी ज्यादा लंबी है, तो आज के व्लॉग में तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा जो भी हो पाया वो आपको हम दिखाई देंगे। तो फिलहाल हमने क्या करा, हम जब नीचे दुकान से आए थे तो हमने इसमें कुछ खाने का सामान रख लिया है, मैगी नूडल्स जो भी है सब कुछ डाल लिया था ना बाबू। और देख सकते हैं जुगाड़ हमारा, देखो पूरा 5 लीटर की गैलन में पूरा पानी भरा हुआ है। तो फिलहाल अभी तो हम निकलते हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर, फिर आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या पता कुछ तूफानी भी कर सकते हैं। क्यों बाबू, तूफानी करेंगे ना पक्का। गुड्डू भाई हम भी चले, विश्नोई और राहुल भाई तो चले गए, आपने भी चलते, सब अरेंजमेंट हो गया, बैग पूरा भर लिया, ऊपर चलते हैं, धमाल मचाते हैं। और यार गाइस आप भी धमाल मचाओ यार, भाई के चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो यार, कुछ करो यार। रामपुर के लौंडे क्या कर रहे हो यार, संतोष अपना पुराना यार, धमाल मचाओ कुछ करो यार। तो भैया सैफ मियां ने भी बोल दिया है, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, तो हमारे ब्लॉग में ऐसी बने रहना, आगे मचाने जा रहे हैं हम धमाल, तो कैंपेनिंग करते हैं भाई लोगों के साथ, इंजॉय करते हैं, जो भी कुछ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में। तो फिलहाल तो निकलते हैं यहाँ से। गाइस अब नीचे से ऊपर आ गए और हमें एक बेस्ट लोकेशन मिल गई है, और काफ़ी यहाँ से अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो हम जाने वाले हैं वहाँ ऊपर। पहले ऑलरेडी गुड्डू जा चुका है, आपको दिख रहा होगा, वो देख सकते हैं आप गुड्डू को, गुड्डू हाथ हिला दे, वो देख सकते हैं वहाँ पे। तो वो ये देखने गया था कि यहाँ पे बैठने का सही है नहीं है करके, तो हम यहीं पे कुछ बढ़िया जगह है। अच्छा ठीक है फिर बाबू चलें फिर। हाँ तो गाइस अब वो लोग, उन लोगों ने देख लिया है, तो हम यहीं कुछ खाने पीने का बनाने वाले हैं, वो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बढ़िया सा कैंपेन हो जाएगा ना बाबू, मज़ा आएगा नहीं आएगा। तो गाइस आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ से, गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बाइक्स अपनी बाइक और स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो बाबू निकलते हैं, ये इसको यहाँ खड़ी कर दूँ मैं, इसको आगे खड़ी कर देता हूँ थोड़ी ना, हाँ फिर निकलते हैं, तो इसको इस गाड़ी को भी यहीं पे लगा देते हैं, दोनों साथ में हो जाएंगी, फिर अपना चलते हैं वो ऊपर को। तो गाइज हम आ चुके हैं हसीन वादियों में, थक हार के जैसे भी हम पहुंच गए यहाँ तक, हम पहुंच गए हैं गाइज। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ बनाने वाले हैं मैगी, मैगी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कभी भाई, मैं तो गाइस आप ये देख सकते हैं
इतनी बड़ी कढ़ाई और इतनी हैवी है ना, ये इतना वेट है इसमें, कसम से भाई पूछो मत। भाई साहब अब इसमें बनाएंगे हम मैगी और आपको भी खिलाएंगे, ठीक है? लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी शेयर भी। और विष्णु ये कैसा लग रहा है फिर, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। ये बाबू को देखो, आहा बाबू कैसे करते पोज, कैसे देता है शाहरुख खान, कैसे पोज देता है, ये देखिए आप। देते नीचे हो जाए। पता चला पोज देते देते नीचे मत गिर जाना बाबू, ठीक है? तो ये बताओ तुम्हें अच्छी जगह लगी है? मजा आ रहा है? सब लोगों को नजारा दिखाओ सामने। नज़ारे मैंने सारे दिखा दिए हैं, अब हम फिलहाल हमने ये जगह चूज़ करी है, यहीं हमने चूल्हा बनाना है और यहीं मैगी बनानी है। तो भैया लग जाओ फिर काम पे, आप लकड़ियाँ वकड़ियाँ ढूंढ लो जल्दी जल्दी। आप ढूंढते हैं लकड़ियाँ और बनाते हैं चूल्हा, तो आपको दिखाते हैं कि जंगल में किस तरीके से हम चूल्हा बनाएंगे और लकड़ियाँ ढूंढेंगे। तो यहीं से जो सूखी सूखी लकड़ियाँ होंगी, जैसे कि बिश्नोई साहब ये ढूंढने लग गए, सूखी सूखी लकड़ियाँ हम ढूंढ रहे हैं। ये देखो गुड्डू को देखो, ये कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ आराम से लगना जाए गुड्डू, ये सूखी सूखी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। ये देखो खींच लो, तो बिश्नोई भी ढूंढ रहा है लकड़ियाँ, ये देख सकते हैं आप, बिश्नोई साहब भी ढूंढ रहे हैं लकड़ियाँ। तो भाई लकड़ियाँ बहुत सारी चाहिए, ये तो हवा से जलेगी, यहाँ पे आग जल पाएगी और ढूंढोगे तो भाई हम यहीं पे बनाने वाले हैं पिकनिक अपना, छोटा मोटा सा पिकनिक, तो ये भी खुश हो जाएंगे और कल फिर ये वापसी हो जाएंगे। हमने लकड़ियाँ तो इकट्ठा कर ली हैं पर यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो इस वजह से यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है आग जलाना। तो वहाँ पे एक गड्ढा है तो वहाँ पे चूल्हा बनाते हैं, वहाँ पे बनाते हैं चूल्हा और वहीं लकड़ी लेके चलते हैं। विष्णु एक काम कर भाई, वो लकड़ियाँ भी यहीं ले आओ, गुड्डू गुड्डू वो लकड़ियाँ भी यहाँ पे ले आओ, वो सारा सामान इधर ले आओ, ठीक है? आ जाओ। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे ये गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा बनाया हुआ है गाय बच्चों के लिए, पानी पानी के लिए इकट्ठा हो जाए, जब कभी बरसात हो तो यहाँ पानी भर जाए और गाय बच्चे यहाँ की अगल बगल के गाँव की पी ले पानी। तो फिलहाल हम इसका यूज़ करते हैं और क्योंकि यहाँ पे सूखी सूखी घास भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ये तो कहीं आग ना लग जाए इस वजह से हम यहाँ पे बना रहे हैं सेफली और इसको बुझा के भी जाएंगे और आराम से आपको दिखाते हैं आप किस तरीके से मैं चूल्हा बनाता हूँ और आग जलाता हूँ। आ जाओ तो भैया हम कूद पड़े हैं इसमें। मैंने ये कॉर्नर चूज़ कर लिया है क्योंकि यहाँ से हवा बिल्कुल नहीं आएगी, लकड़ियाँ सेफली यहाँ जल जाएंगी। तो फिलहाल लकड़ियाँ तो मैं लगा देता हूँ। विष्णु बड़े बड़े पत्थर, वो तो पत्थर लाओ, चल रहा है अब ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लकड़ियाँ रख देता हूँ फिलहाल और सूखी सूखी घास की घास लेके आओ भाई, लेके आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि वो शोनी आता है डिस्कवरी चैनल पे, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बियर ग्रिल्स बना दिया। तो कोई बात नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड ही है, हम भी जंगल में हम भी कर सकते हैं भाई, हम भी जला सकते हैं। बस वो थोड़ा सा खुरस खुरस के जलाता है लकड़ियों को, हम मार्चिस लेके आए हैं या लाइटर होगा जो भी कुछ है तो वो जला लेंगे इजिली। तो पत्थर लेके आ जाओ और घास लेके आ जाओ सूखी भाई। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैं चूल्हा इस तरीके से रेडी कर रहा हूँ और यहाँ पे रखूँगा पत्थर, एक यहाँ पे रखूँगा, फिर उसके बाद दो बड़े बड़े पत्थर चाहिए हमें, तो यहाँ पे रखते हैं फिर उसके बाद आग जलाते हैं। तो गाइस गुड्डू भाई ने तो पत्थर ढूंढ लिया, गुड्डू भाई लेके आओ, कितना बड़ा ले आया तुम ये? अच्छा हाँ इतना बड़ा चल जाएगा, तो भाई इसमें हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा इसमें, लाओ इसको। तीन चार दो चाहिए बस, हमें दो मतलब सीधे सीधे होने चाहिए जिसमें की कढ़ाई हो जाए, नहीं इसमें नहीं इतना ही बड़ा ले आओ क्योंकि क्योंकि इससे हिल जाएगी ना कढ़ाई। हाँ तो आ जाओ। तो भैया एक हमने रख दिया इस कॉर्नर पे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है? अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये देख सकते हैं। अरे यार छोटा छोटा चाहिए था एक पत्थर, चलो फिलहाल तो ये तो लग चुका है, एक पत्थर का और चाहिए भाई, ये हो चुका है रेडी। तो अब एक दूसरा पत्थर चाहिए बड़ा सा हमें, तो देखते हैं। अरे यही मिल गया यार, आ जाओ हो गया। तो ये दूसरा पत्थर भी मुझे यही मिल चुका है, तो फिलहाल तो अब इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। गाइस ये हमारा चूल्हा है रेडी, आप देख सकते हैं दोनों को, आप इसमें इजीली कढ़ाई आ जाएगी, तो बस अब आग जलाते हैं और करते हैं अपनी तैयारी। तो गाइस थोड़ी कढ़ाई धो लेते हैं और फिर चालू करते हैं अपना प्रोग्राम। आओ गुड्डू भाई पानी डालो इसमें, ये तो ज़्यादा एडवेंचरस हो गया, धुआं कितना हो रहा है यार। और धुआं तो हो गई यार मेरे भाई, एक तो हवा चल रही है ना, बस इतने रहने डालो डालो और डालो, हो गया यार हवा डालो और 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 बस। तो गाइज हमने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, प्याज टमाटर कुछ लेके नहीं आए हैं, सिर्फ मसाले डालने हैं, मैगी डालनी है और रेडी।
तो भैया गुड्डू कैसा लग रहा है एडवेंचर करते हुए? यार ये सब मैंने तुम्हारी वीडियोस में देखा तो था पहले। अच्छा, लेकिन आज तुम्हारे साथ कर रहे हैं एक्सपीरियंस मिल गया। अच्छा, तो मतलब पहले वीडियो में देखा था ऐसे करते हो मुझे? तो भाई मेरे दोस्तों ने तो मुझे देखा था, पर आज खुद भी ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? आंखें लाल हो गई हैं। अब मस्त से बस थोड़ा पानी गर्म हो जाए फिर डालते हैं मैगी। यार गुड्डू ये क्या है? अरे यार मैं जब लास्ट टाइम नैनीताल आया था ना तो ऐसे में खरीद के ले गया था, 100 रुपए का दिया सालों ने यार मुझे। यहाँ पे सब में देख, यहाँ ऐसे पड़े हुए, एक ये दो तीन चार, मुझे ये बिजनेस कर ले क्या? संतोष बताएगा ना। संतोष भाई क्या ये क्या हो गया भाई? यहाँ तो ऐसे पड़े हुए फिर नैनीताल में ये 100-100 रुपए के मिल रहे। हाँ, जो हमारे पहाड़ी व्यूअर्स देख रहे होंगे तो इनको पता ही है, इनको जो है इसमें पेंट करके नैनीताल में बेचते हैं। तो मैं लेके गया 100 रुपए का दिया अपने तो घर पे ले गया था। और यहाँ जंगल में कैसे पड़े हुए हैं? मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, घर पे आके पेंट कर लूंगा। तो गुड्डू भाई 2-3 ये रख के ले जाएंगे और इसमें पेंट कर लेंगे। होता है एक्चुअली ऐसा है ना, ये जंगलों के बीच में होता है, ये है चीड़ का पेड़, तो चीड़ में ये कुछ एक फल टाइप का होता है। बढ़िया यार, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो इसमें ना, इसमें जैसे बादाम नहीं होते बादाम, तो इसके अंदर से ऐसे निकलते हैं। हम जब बचपन में छोटे थे ना तो ऐसे ऐसे छिल छिल के बादाम निकालते थे और बीच में से एक दाना निकलता है बादाम जैसा, बड़ा टेस्टी होता है। पर अभी तो फिलहाल इसमें हो नहीं रखे हैं, जब भी होंगे तो मैं जरूर खिलाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, अगर आप कहीं जंगल में फंस जाओ तो इसके अंदर बादाम का एक किटू बताया भाई ने, वो खा सकते हो आप, सर्वाइव कर सकते हो। मतलब पहाड़ी लोग जानते होंगे इसके अंदर, हम कहते हैं पहाड़ में उसको सूत कुनी सूत, सूत के निकाल लूँ और फिर खनू। आग हो रही है तो आप डालते हैं मैगी, और ये देख सकते हैं हम ले आए थे 3 पैकेट बड़े वाले। पहले मसाले डाल देते हैं, मसाले नीरू को पहले, पहले मैगी और इनको ना क्रश कर लेना, इसे इनको क्रश कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, चम्मच भी नहीं है हमारे पे, हाथ से ही खाना है भाई। तो भैया हमने डाल दिया, होटल मैनेजर किया हुआ है कहीं तो काम आया होटल मैनेजर। और गाइस आप भी कभी जंगल में ऐसी एडवेंचर करें और कुछ बनाएं तो ये जो रैपर होते हैं ना, तो इनको वापस जरूर, प्लीज इन रैपर्स को वापस लेके जाएं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गाय बच्चे यहाँ पे आती हैं और इन्हीं को खा लेती हैं वो खाना समझ के, तो फिर उनको नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी यहाँ का वातावरण भी ख़राब होगा। तो आप कभी भी आएं, आओ जंगल में बनाओ, पर इस चीज़ को वापस लेके जाओ और डस्टबिन में डाल दो। क्यों गुस्सा है भाई? अपना एंजॉय करो, लेकिन हाँ साफ सफाई के साथ। संतोष भाई ने बहुत सही मैसेज दिया था कि कभी भी आओ एंजॉय करो, आप एंजॉय अपनी जगह है लेकिन साफ सफाई के साथ, क्योंकि यार इतनी नेचुरल ब्यूटी है। देखो आप यहाँ पे अगर गंदा करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो यहाँ पे जो है गंदा नहीं, कहीं भी नहीं करना चाहिए, अपना एंजॉय करो। देखो अपना, देखो सही बात बोली, गंदगी कहीं नहीं करनी चाहिए वैसे तो, पर ये चीज इससे पहले कभी करा ऐसे आउटसाइड में जाके? ये सच बोल रहा है, अब नहीं करना है। हाँ अब नहीं करना है, पर ये चीज़ देखो अब खुद ही ये साहब भाई ने उठाया यहाँ पे, हमारा दोस्त है, अच्छा लगता है यार। देखो साहब आप कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे, है नहीं? बैग में डाल देंगे, वहाँ बाहर ले आकर पैक, इसको बैग में डाल दो, बैग कहाँ है हमारे, बैग उधर रखे ना, तो इसको बैग में डाल देना। ठीक है, हमारी मैगी हो चुकी है रेडी, तो लौंडे हैं तैयार उठाने के लिए, पड़ेंगे अब खाने पे। तो भाई विष्णु साहब ने उठा लिया, बिल्कुल गर्म तो नहीं हो रहा विष्णु, ज़्यादा आराम से लेके चलना। तो अभी इस आग को हम बुझा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा पानी डाल दो उस पर, हाँ हल्के करके ऐसे करके हाथ से, हाँ गुड बुझा दो। हाँ यार किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, पता चला आग लग जाए। तो गाइस हमने ये आग बुझा दी, अभी थोड़ी देर में धुआं ही बंद हो जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे हम। फिलहाल तो हम लेके चल रहे हैं अपनी मैगी को, वहाँ पे राहुल लेके चला गया है, ठंडा करने के लिए रख दिया है। तब तक फिलहाल हम थोड़े से फोटोशूट करते हैं भाई लोगों के साथ। अरे हो जाएगा तो हम कर लेते हैं थोड़ी देर फोटोशूट, इसको होने देते हैं ठंडा, फिर उसके बाद खाते हैं इसको और टेस्ट बताते हैं जंगल का। तुम बताओगे, मेरा तो मुझे तो पता ही है जंगल का। और क्या, फूड ब्लॉग है, चलो ठीक है जो भी होगा। तो भैया टाइम कितना हो गया, टाइम भी तो देख लो, वापस भी तो जाना है यार, अपने वक्त हमारा है, वक्त तुम्हारा है, वक्त अपना है। कितना हो रहा है टाइम विष्णु? अभी 2:45 बजे। तो गाइज हमें कम से कम 3-4 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, तो कोई बात नहीं, तो फिलहाल तो हम खींचते हैं फोटो, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैगी जो हो चुकी है वो हो चुकी है ठंडी, तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लासेस भी ले आए थे, तो फिलहाल अब पीते हैं कोल्ड ड्रिंक और खाते हैं चाउमीन। तो भाई विष्णु, अच्छा सॉरी यार,
अरे मतलब मैगी, हाँ तो चौमिन मैगी एक ही जैसा लग रहा है ना, फील ऐसा हो रहा है। तो भैया आज कर लेते हैं हम जंगल में पार्टी, ये कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम। और हाथ से खाना है? हाथ से खाना है। हाथ से देसी अंदाज में, देसी अंदाज में। क्यों गुड्डू भाई? जैसे चावल खाते हैं। अभी रिव्यू देते हैं भाई ने, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, बताते हैं कि कुछ करा है या फिर वैसे किया है। अरे इतनी तारीफ मत कर भाई, मैगी तो बनाई है, कोई प्याज टमाटर थोड़े डाले उसमें। जो भी है बनाया तो है। चलो जैसा समझो आप, ठीक है कोई बात नहीं गुड्डू भाई, जैसा भी तू समझेगा वही ठीक है। तो फिलहाल हमारी कोल्ड ड्रिंक है ये। ओए होए होए, फिलहाल हम कोल्ड ड्रिंक के साथ मैगी खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी गर्म हुई हुई, ठीक हो रहा है यहाँ तो, वैसे भी जरूरत नहीं है। तो गाइस हम पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। चलो भाई चेस, ये देखो हराई पर देखो चेस गाइस, ये देखो अपनी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा कर ली। और हमारी इतनी इतनी सी। ओ भाई विष्णुई, ये तो गलत बात है भाई, ये तो बनिया गिरी दिखाता है। मैं देखा नहीं, सॉरी। गाड़ी मैं चलाऊंगा सबसे पहले, हाँ बाइक भी मैं चलाऊंगा, कार भी मैं चलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा मैं पीऊंगा। तो भैया ये तुम में मुझ पे भरोसा है, इसलिए मैं ऐसा। कोई बात नहीं यार, तो ये भाई ये थोड़ी सी ले लेती हूं। अरे कोई बात नहीं, पी ले। कोई बात नहीं यार, हमारा दिल बड़ा है। छोड़ो यार, ये सब दिखावा है, कैमरा कट होती लाल। सही बात कही बाबू ने, बिल्कुल सही बात कही। तो भैया पी रहे हैं फिलहाल तो कोल्ड ड्रिंक। पहली बाइट गुड्डू ले रहा है, तो पूछते हैं गुड्डू भाई से कैसी बनी है। ठंडी होगी गुड्डू? ये देखो लपेट ली मिया आपने भाई, तो हल्के हल्के थोड़ा हल्का हाथ देखो भाई। फिर आप एक बाइट, ये कैमरे के सामने कैसे खा रहे हैं भैया? हाँ अरे उठाओ, टूट पड़ो भाई जल्दी करो। हाँ गुड्डू बताएगा किस तरीके टूट पड़ते हैं। शानदार बनी है। क्या बनी है? मस्त बहुत बढ़िया लजीज। लजीज हबीबी, कम टू दुबई। ये वाला है ना हबीबी वाला। हमारा हो चुका है खाना पीना सबका बढ़िया से, और मजा आया फिर, शानदार मजा आ गया। ओहो चलो फिर यार, बस मेरी तरफ से तो भाई इतना ही था, यही कर सकता था, नई जगह तुम्हें ला सकता था। तो हैप्पी हो मतलब? अच्छा तो गाइज हमने ये सारा पैकअप कर लिया है हमने, और जितना भी हमने कूड़ा वूड़ा करा था वो सब उसमें डाल लिया है। तो फिलहाल अब निकलते हैं हम। तो गुड्डू कहाँ जाने वाले हैं, अब कहाँ घूमना पसंद करोगे? तो गाइज हम कोई नई जगह जाने वाले हैं, तो विष्णुई चलें फिर कहीं नई जगह? तो फिर चलें। चलो फिर चल ले, चलो फिर लेट्स गो। चलो उठा लो ये बैग भी तो उठाओ। अरे तो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं। तो गुड्डू भाई टाइम कितना हो रहा है अभी फिलहाल? टाइम वक्त हो गया भाई, चार बज गए। तो अभी बज रहे हैं चार, और चार बज गए हैं। तो आज पूरी पार्टी यहाँ पे हमने कर ली है, और फाइनली अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आपको भी मज़ा आएगा, ऐसे ही बने रहना ब्लॉग में, और इनको जितना हो सकता है उतना आज मैं घुमा देता हूँ, क्योंकि कल ये जाने वाले हैं मॉर्निंग में। तो फिलहाल अब चलते हैं नई जर्नी की तरफ, और कहीं और देखते हैं जहाँ ये खुश हो जाएँ और कुछ नेचुरल ब्यूटी का मजा ले पाए। तो मिलते हैं आपको आगे। गाइस हम आ चुके हैं अपनी बाइक के पास, और अब सीधे निकलते हैं यहाँ से। आगे वाले ब्रेक को मारना। हाँ हाँ पता है। बैठो। गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:30, और हम आ चुके हैं दुकान के अंदर। तो प्लान में कुछ चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस ये हो गए कि अर्जेंटली मुझे दुकान के अंदर आना पड़ा, बड़े भाई का फ़ोन आया था कि यार थोड़ा दुकान चले जा, कुछ छोटे भाई का काम है करके। तो छोटे भाई को मैंने भेज दिया काम से, और हम लोग आ गए दुकान में। और हमारा प्लान था रिवर साइड जाने का, मैं इनको ले जाने वाला था सेठी पुल पे, और वहाँ थोड़ा सा इनको घूमने का मन था, ये बोल रहे थे रिवर साइड ले जाओ करके। तो भैया आज कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, फिर कभी जब आएंगे। वैसे प्लान हमारा 90% तो कंप्लीट हम घूम ही लिए। वैसे पूरा एंजॉय हमने कर लिया था दिन, पर शाम को ये था कि ये थोड़ा रिवर किनारे बैठना था, इन लोगों ने थोड़ा सा पानी में फोटो शूट करनी थी, वो नहीं हो पाई। तो मजा आया फिलहाल, लास्ट टाइम पानी में डुबो दिया था मुझे याद है। एक टाइम गहरा नहीं एक टाइम ये पहले आ चुका है उड्डू, तो उस समय इसको नहलाने के चक्कर में हमने गहरे में गिरा दिया था। तो ये अचानक से इसको पता नहीं इसकी तबीयत खराब हो गई थी, छौ लग गया था इसको, गाइस पहाड़ी में समझोगे तो छौ लग गया था। तो फिलहाल
आज का वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इनको खिलाते हैं खाना पीना, मेहमानदारी करते हैं, थोड़ा वक्त इनके साथ ही बिता लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज यार, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना। कर दो यार कर दो, बहुत टाइम लगती है मेरे भाई, कर दो यार बहुत टाइम लगती है। अरे हो जाएगी भाई, हो जाएगा, अरे हो जाएगा भाई, अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है।